भाई अभी हम लोग रूम में पहुंच गए, बहुत डेंजर रूम होने वाला है। तो पहले इसके पहले बाप ने बोली कि उसको फ्रेश वगैरह होना है, तो मैं भी थोड़ा कपड़े चेंज करता, बहुत टाइम से इन्हीं कपड़ों में हूँ। तो चेंज वेंज करके फिर तुमको रूम टूर और प्रॉपर्टी का टूर बहुत ही बहुत डेंजर जबरदस्त है दिखाने वाला। चलो आता हूँ। गाइस हम लोग ऑन द वे थे ना, तो बहुत टेंशन आ रहा था कि रूम अपग्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि हमने बुक किया था डिलक्स कॉटेज बुक किया था और अपग्रेड तो मिलेगी अपने को हमेशा के जैसा, क्योंकि अपन मैरिट गोल्ड के मैरिट बोनोवा के गोल्ड मेंबर है। इसके लिए डीलक्स कॉटेज से हमको अपग्रेड किया तो प्लांटेशन मिला, तो बेसिकली इनका ये स्वीट कैटेगरी वाला रूम है। एक नंबर है, दिखा रहा हूँ देखो, ये ऐसा उनका हॉल, इधर अपना रिलैक्स करने का, वो इतना बड़ा टीवी के कितना इंचेस है अभी मेरे को आइडिया नहीं है। मैं बोला गोल्ड मेंबर है इसके लिए, देखो अपने लिए क्या ये चॉकलेट और नीचे कुछ तो भी है और फ्रूट्स और हैंड रिटन लेटर। वो गोल्ड मेंबरशिप पारुल के नाम पे, इसके लिए मिसेस श्रीवास्तव लिखा है, नहीं तो मेरे नाम पे और श्रीवास्तव की स्पेलिंग वैसे भी गलत लिखी है, पर ठीक है। बट एनी वेज वो गोल्ड मेंबर होने के बहुत ज्यादा फायदे अल्टीमेट। अभी बाकी का रूम मैं पारुल को दिखाने को देता हूँ, तब से बोलते मेरा फुटेज को बालकनी दिखा रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखी। उसने बोला है कि वो खिड़की हमेशा बंद रखना, नहीं तो रात को मच्छर या फिर कीड़े वीड़े बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएंगे, इसलिए उसको अपन अंदर ही रखेंगे और यहाँ से अपना बालकनी पर रुक के व्यू पूरा रिलैक्स हो गई। चलो अभी तुमको अंदर का बेडरूम दिखाता हूँ और बाथरूम वो पार्लर दिखाएगी दोनों। Hey guys, so this is the ये है अपने व्लॉग का। बहुत ही अच्छा रूम है, काफी बड़ा है और मतलब एम्बिएंट लाइटिंग एवरीथिंग इज रियली नाइस। बेड इज आल्सो लुक्स वेरी कंफर्टेबल एंड यहाँ पे देयर इज अ सोफा कम बेड आल्सो। टीवी यहाँ पे भी है और टीवी बाहर भी है, सो दैट इज प्रीटी कूल। जैकी और मैं अलग अलग चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। जो बालकनी अभी जैकी ने दिखाया वो ही सेम व्यू यहाँ से भी इंजॉय कर सकते हैं, तो काफी ग्रीनरी एंड जजमेंट नहीं आएगा वीडियो में। अब मैं दिखाता हूँ हाइट कितना है इसका। ऊपर तक एकदम हाई सीलिंग जैसा आपको चाहिए रखा। जैसे कि मैंने बोला, हम हमेशा बोलते थे कि ये बेस्ट है पर ये वाला तो बहुत ज्यादा ही डेंजर है और पता नहीं इसके बाद बोल सकते हैं कि इंडिया में एटलीस्ट किसी प्रॉपर्टी को। हमने अभी तक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज देखी थी दैट वाज मालदीव्स रेडिसन ब्लू एंड उसके बाद इंडिया में देवी रतन था आई थिंक दैट वी हैड बीन टू, वेरी ग्रेट प्रॉपर्टी आई मीन इन अ रिजॉर्ट, बट दिस हैज टू टॉप इट ऑल, नो डाउट कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट है। और जैसे हम लोग ने चेक इन वगैरह किया ना, तो हमको बगी में लेके आए वहाँ से, तो कोई तो भी एक थी, वो कोई तो भी मैनेजर, वो फुल पारुल की इतनी तारीफ कर दी कि मतलब पारुल किसी और प्रॉपर्टी को इतनी अच्छा बोल ही नहीं सकती। Some small things that they've also given iPhone chargers, जो जनरली बाकी किसी रिजॉर्ट में भी नहीं देखा है, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी भी मिला है, तो वी विल गो एंड चेक दैट आउट, लेट्स सी उसमें क्या है। गाइस हम लोग हाई टी के लिए निकले थे, अरे अम्ब्रेला पर बारिश आ गई अभी, तो अभी अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, बट वी वांट टू वॉक डाउन एंड चेक आउट द प्रॉपर्टी ऑन द ऑन आवर फुट एंड गेट द फुल एक्सपीरियंस। इधर का व्यू इतना डेंजर है ना, यहाँ स्विमिंग पूल काफी है लेकिन व्यू मतलब इट इज क्रेजी। ये देखो पूरा काय, ये देखो मेरा लुक, सुपरस्टार लुक, मुझे किक आउट करके अब्बास मस्तान लुक है मेरा, अब्बास मस्तान। गाइस मैंने एक बार ना ऑन वाइट पहना था, ठीक है, वाइट पैंट्स एंड वाइट टॉप एंड आई वाज सो हैप्पी अबाउट माय लुक, और मैं जैसे ही निकलती हूं अपना लुक पहन के जाके बोलते अरे अब्बास मस्तान। और इसको लगता है अब्बास मस्तान एक ही आदमी है।
और मैंने बोला ना इसको लगता है कि अब्बास मस्ता नहीं की आदमी है गाइस मुझे आज पता चला जैसे अपन वाइट वाइट पहन के घूम रहे वैसे वो लोग वाइट पहन के घूमते हैं आज मुझे पता चला मैं भूल गई थी कि वो दो अलग अलग लोग हैं पर भूलने गई थी पता नहीं था नहीं नहीं कुछ तो है उन लोग का एनीवे गाइस फॉरगेट इट अब्बास मस्तान का एक फोटो डाल देंगे हम लोग हमारे हम दोनों के बाजू में गाइस अभी जैकी जा रहा है स्पा में पूछने लेट्स सी वो पूछता है या नहीं क्योंकि जनरली तो वो बैक आउट कर देता है सच में पहले भी बता चुका हूँ ये बोलती है कि मैं पूछती हूँ और फिर उधर चले गए मेरे पीछे छुप जाती है फिर पूछना मेरे को पड़ता है मैंने पहले भी बोला था ये हमेशा का ऐसा है इसका इन लोग को परमिशन कैसा मिल गया इधर बनाने का क्या पूरा जंगल के अंदर ऐसा गोल घूम के हम लोग नीचे आए और जंगल के बीच में देखो पूरा चारों तरफ से देखेंगे तो जंगल ही जंगल है बहुत ही भारी है एंड हम लोग जब पहुंच रहे थे मतलब द रोड वाज नेवर एंडिंग वो घाट जो है 10 मिनट का वो 20 मिनट लग रहा था और इतना लग रहा था 20 मिनट से भी हम लोग इतना थक भी गए थे क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्राइव बट आफ्टर वी सॉ द प्रॉपर्टी सारी थकान सब कुछ मतलब जितना थकावट हमको गाड़ी में फील हो रहा था ना इधर प्रॉपर्टी में आते ही सब गायब हो गए या नाउ वी आर एनर्जाइज्ड चलो जैकी जा रहा है अभी पूछने लेट्स फॉलो हिम देखते हैं कितना ऑकवर्ड होता है वो शूट मत करना स्पा का जैसे कि मैंने बोला था पारुल मेरे पीछे छुप गई मेरे को आगे ढकल दिया बट थैंकफुली उसने अच्छा सा वीडियो लिया जो कपल थेरेपी है ना मतलब कपल्स का मसाज जिस रूम में करेंगे वो रूम का मस्त वीडियो मिल गया और रेट कार्ड है वो मैं शेयर कर दूंगा बाद में और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है स्पा काफ़ी अफोर्डेबल है हाँ रीजनेबल है अफोर्डेबल से ज़्यादा तो रीजनेबल है और उसके ऊपर 18% GST लगेगा जो भी हो तो नॉर्मल अपना मोदी जी को देना पड़ता है ना जस्ट लुक एट दिस व्यू मतलब इट इज क्रेजी वो नसीब मेरे गाड़ी ने एवरेज अच्छा दे दिया नहीं तो उसके ऊपर भी GST देना पड़ा था मेरे को अब्बास मस्तान बना के घुमा रही हर जगह और वीडियो ले रही मेरा हर जगह से वो हाईटी में स्टार्टर वगैरह भी था तो पारुल ने फुल पेट भर के खा लिया अच्छा आज डिनर स्किप होने वाला है कुछ नहीं वो टी कॉफी जो भी तुमको चाहिए मैंने तो कोल्ड कॉफी मंगवा ली तो लोग ने कोल्ड कॉफी दे दी पारुल ने कुछ वेज स्टार्टर्स भी मंगाया बेबी कॉर्न चिली बेबी कॉर्न हाँ और मैंने चिकन और मैंने चिकन टिक्का एंड दे आल्सो हैड सम सॉर्ट ऑफ ब्रुशेटा वन वाज नॉन वेजिटेरियन द अदर वाज वेज मैं बोला ना मैं हिंदी ब्लॉगर हूँ और पारुल इंग्लिश ब्लॉगर बैलेंस दोनों तरफ की ऑडियंस चाहिए अपने को बैलेंस बनाए रखने के लिए दैट्स व्हाई मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बट अभी बैलेंस करने एंड माय इंग्लिश इज आल्सो वेरी गुड हां जैकी को इंग्लिश आती है गाइस ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टपोरी लैंग्वेज में बात करता है तो पूरी लैंग्वेज का क्या मतलब भाई अपनी जैसी लैंग्वेज वैसी बात करेंगे ना मातृभाषा में मोदी जी ने बोला है हिंदी में बात करो चलो अभी रूम में जाते थोड़ा आराम करेंगे कल सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह रिकॉर्ड करेंगे बाय बाय अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए देखते हैं ब्रेकफास्ट कल तो अच्छा था कल हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थोड़ा थक गए थे आज देखते क्या है ब्रेकफास्ट थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही है यहाँ पे सुबह में काफी ठंड हो जाती है लेकिन दोपहर में इट्स प्लेजेंट फिर रात होते होते थोड़ी सी ठंड फिर से हो जाती है ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद पैकिंग वगैरह करके हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जाएंगे अभी आपको ये माउंटेन वाला प्रॉपर्टी दिखाया और नेक्स्ट होगा बीच वाला प्रॉपर्टी या तो हम लोग आफ्टर दिस वी आर हेडेड टू अ वेरी स्पेशल प्लेस एंड ये हमने काफी टाइम से अपने इसमें बकेट लिस्ट में रखा था एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड डील
बकेट लिस्ट तो पारुल की रहती है, अपने वो क्या कुछ भी चल जाता। हाँ मेरी थी बकेट लिस्ट गाइस, मैंने ही उसे बोला था कि ये प्रॉपर्टी को देखो अगर मिलेगा अच्छा तो फिर वी विल गो देयर, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ताज की, तो वी विल शो यू दैट। देखो इधर जाना है नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ठंडी तो बहुत है भाई इधर, मैं स्लीपलेस पहन के घूम रहा हूँ, स्लीपलेस मतलब हाफ स्लीप पर ठंडी है। कल हमने क्या खाया था? कल हमने क्या खाया था? एक सेकंड, जैकी हमेशा उत्तपम खाता है और मैं हमेशा डोसा, मैसूर मसाला डोसा। हाँ मैसूर मसाला डोसा, दैट्स माय फेवरेट डिश। तो उसके अलावा क्या क्या है दिखाएंगे? बाद में आना।